जैसा कि उसने किया। हम बस इतना कहना चाह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से या हमारे बच्चों की वजह से आपकी जिंदगी में या आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आए। देखिए, हम लोग कहीं नहीं जा सकते, हमारे पास बस ये लॉन्ड्री और ये घर ही है, पर आप जा सकते हैं वापस दुबई अपने बीवी और अपने बच्चों को लेकर। क्यों क्यों लौट जाना चाहिए मुझे? मतलब मैं अपनी बेटियों के करीब आने के लिए जो इतनी इतनी मेहनत की है मैंने, वो सब भूल जाऊं? अपनी बेटियों के साथ टाइम स्पेंड करना या उनके करीब रहना कोई गुनाह है ये? क्यों चला जाऊं मैं? और उसे क्या प्रॉब्लम है तुमसे? और क्यों है प्रॉब्लम अगर है तो? और अगर उसे प्रॉब्लम है तो उसे तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है यार? हम तो है ना माँ बाप उन तीन बच्चियों के। अगर अपनी बच्चियों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मैं तुम्हारे करीब आ जाता हूं तो ऐसा तो मतलब उसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना? हम रेगुलर पेरेंट्स की तरह अपने अपनी बच्चियों के आसपास नहीं रह सकते हमेशा के लिए सिर्फ अपनी बच्चियों की खातिर? नहीं रह सकते। देखिए, हमने ताला नहीं लगाया, आपको प्यार जीतना है जीत लीजिए, हम कौन होते हैं रोकने वाले? इससे ज्यादा की उम्मीद आप हमसे ना ही रखें तो अच्छा है। डोंट वरी वीर, अक्षय वोंट डिसअपॉइंट यू। जाओ तुम। He's a nice boy. एक अच्छा सा लड़का हमारी स्वीट सी लड़की से शादी करना चाहता है, उससे बहुत प्यार करता है, दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता है, लेकिन बोथ सेटल डाउन इन लंदन रियली हैप्पीली। बस पता नहीं अपराजिता को इसमें प्रॉब्लम क्या है, ऐसी क्या बुराई देख ली इसने वीर में जो हम में से किसी को नजर नहीं आ रही? क्यों चलनी, वीर का अगेंस्ट अपराजिता आज तक कुछ भी प्रूफ कर पाई है? नहीं। बट क्योंकि उसने अपना इलॉजिकल जजमेंट दे दिया है वीर के अगेंस्ट, वी ऑल हैव टू ब्लाइंडली फॉलो इट। कम ऑन अक्षय, तुम तो वीर को लाइक करते हो ना, पसंद है ना तुम्हें? जान, प्लीज डोंट डिसअपॉइंट हिम। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है अपराजिता को वीर से। वीर को लेकर अगर उसको कोई गलतफहमी है तो उसकी वजह से मैं छवि की जिंदगी खराब नहीं होने दूंगा। कट। कब जा रहे हो लंदन? 10 दिन में। अच्छा बेटा, ये पुलिस वाले अपनी छानबीन कर रहे होंगे ना रितिका को लेकर? लगता है आपके भोलेनाथ ने कोई सोर्स लगाया, वरना आप ही सोचो, पुलिस 1 साल पुराना मिसिंग केस क्यों फाइल करेगी हमारे कहने पर? अब मोहिनी को जो करना है वो करे, जीतेंगे तो हम ही। अरे लग गया ना, ध्यान से बेटा, हमेशा ध्यान से करना चाहिए। खोजबीन करती हुई एक औरत और उसके साथ उसकी बेटी आई थी। देखो, इस रितिका के केस में कोई खबर बाहर नहीं आनी चाहिए, वीर का नाम इस केस में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये मेरे बेटे की नहीं, मेरी कुर्सी की भी बात है, समझ रहे हो ना? जी। देखा, हमने कहा ना, जब इंसान को अपने आप पर भरोसा होता है ना तो वो बहुत आगे तक जाता है, लेकिन जब उसे अपने आप पर जरूरत से ज्यादा भरोसा होता है तो वो खाई में जाकर करता है। पुलिस तो अपना काम करेगी, लेकिन दूसरी तरफ मोहिनी क्या करेगी हम में से कोई नहीं जानता। वो चुप बैठने वालों में से नहीं है, कुछ तो करेगी, क्या पता ऐसा कुछ करे कि उसका जवाब हमारे पास ना। अक्षय जी, लोग कहते हैं कि अगर पावर और पैसा एक साथ मिल जाए तो दुनिया जीती जा सकती है। आपके पास पैसा है और मेरे पास पावर, अगर आपकी छवि और मेरा वीर एक साथ। सुनील जी,
छवि बेटी है मेरी, कोई डील नहीं है जिसे हम पावर और पैसों के बीच में फिक्स करें। नहीं नहीं अक्षय जी, आप मेरी बात को गलत समझ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर संबंधों में मजबूती होती है तो जीवन में हर रिश्ते में मजबूती होती है। उस दिन मंदिर में मैंने जिस तरह से दोनों बच्चों को एक दूसरे के लिए देखा तो मुझे लगा कि आपकी बेटी पढ़ी लिखी है, समझदार है, तो एक ना एक दिन तो मुझे भी वीर का रिश्ता करना ही है। तो आपसे बढ़िया समधी हमें कहाँ मिलेगा। वीर को पढ़ने के लिए मैं लंदन भेज रहा हूँ। मैं सोचा था कि अगर अगले दो दिन में उसका रोका कर लेते तो एक बार उसको आराम से। दो दिन में रोका? हाँ, हम जानते हैं आप क्या कह रहे हैं। ऑफ कोर्स जानते हैं। इनफैक्ट अब अक्षय को अपराजिता से परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। व्हाट्स इट? एक्सक्यूज मी, अब ना कोई मोहिनी को रोक सकता है और ना इस रोकी को। कसम से ऐसा नहीं है अपराजिता। मां के दिल की आवाज से दुनिया को कोई लेना देना नहीं है। दुनिया वो मानती है जिसे वो देख पाती है, जिसे वो सुन पाती है, जिसे वो समझ पाती है। मैं बाप हूं ना छवि का, तो मैंने देखा है वीर को, उसे समझा है, और मेरी समझ के मुताबिक मैंने ये फैसला लिया अपनी बेटी की खुशी के लिए। मां के दिल की आवाज? मां के दिल की आवाज उसकी बेटी के बाप तक नहीं पहुंचती, क्या बात करे तुम मुझसे। ठीक है, तुम्हें यकीन है ना? मैं मान लेता हूं, तुम कन्विंस कर लो मुझे कि वीर वाकई छवि के लिए गलत लड़का है। एक काम करो अपराजिता, कल परसों, एक्चुअली दो दिन ले लो तुम, दो दिन के बाद हम वीर और छवि का रोका रखेंगे। उससे पहले तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि तुम ये प्रूफ कर दो कि वीर वाकई छवि के लिए गलत है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में जो कुछ भी कहा ना तुमने, साबित करो कि वो सच है। लेकिन अगर तुम ये प्रूफ नहीं कर पाई ना अपराजिता, तो दो दिन के बाद छवि वीर का रोका होगा और तुम्हें उसे होने देना होगा। हम भी आपसे वादा करते हैं, दो दिन में हम आपको साबित कर देंगे कि वीर अच्छा लड़का नहीं है। दो दिन में हम आपको उसका असली चेहरा दिखा देंगे और दो दिन में हम बता देंगे कि आप उसका रोका करके हमारी बेटी की जिंदगी खराब कर रहे हैं। छवि की खातिर, छवि की खातिर। छवि, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। जब से मैंने तुम्हें जाना है ना, कुछ और जाने का मेरा मन ही नहीं करता। तुमसे ही मेरी गुड मॉर्निंग होती है और तुमसे ही मेरी गुड नाइट। हेलो छवि, Thank you.
ये रितिका कौन है वीर? जिंदगी भर में कभी नहीं मिली तो इनकी बेटी को कैसे मिल सकती है? पूरी जिंदगी गरीबी में निकाल दी और अब जब इनकी बेटी का एक बड़े खानदान में रिश्ता हो रहा है तो इनसे सहा नहीं जा रहा। छवि, खबरदार अगर हमारी माँ के बारे में एक शब्द भी और बोला तो वीर। छवि, अगर तुम एक और थप्पड़ माने तो एक और थप्पड़ मार दे। लेकिन ये सच्चाई तुम्हें भी पता है और मुझे भी कि हमेशा ये हमारा रिश्ता अपने रिश्ते से कंपेयर करती आई है। इन्हें लगता है कि जो प्यार और अपना भाई इन्हें नहीं मिला वो इनकी बेटी को इतनी जल्दी कैसे मिल सकता है? बेटा, तुमको भी ऐसा लगता है कि हम तुमको खुश नहीं देखना चाहते? अपू, बात को समझो। मैं मानता हूं कि वीर की बात करने का तरीका गलत है, लेकिन हो सकता है कि उसकी बात सही हो। एक बार सुन तो लो, तो कहने की क्या कोशिश कर रहा है, उसके बाद उसको निकाल देना घर से बाहर। तुम सुन ही नहीं रही हो उसकी बात। तुमने कहा था उसके खिलाफ सबूत लाओगे, उसे झूठा साबित करोगे, तो कहां है सबूत? सबूत मिले है नहीं, तुम बस ड्रामा हो रहा है खामखा। सबूत है हमारे पास, लेकिन उसके लिए आप सबको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। कार से एक्सीडेंट करके जिसकी रिपोर्ट इनके पास दर्ज है, आप प्लीज इनको फाइल दिखाइए ना इंस्पेक्टर साहब। फाइल? अरे किस केस की बात कर रही है आप मैडम? हमने तो किसी रितिका एक्सीडेंट की बात नहीं की आपसे। अपराजिता को अक्षय की नजरों में झूठा साबित करने का बस एक ही तरीका है। सबसे पहले तो अपराजिता को किसी भी तरीके से पुलिस स्टेशन बुलाइए और फिर जिस इंस्पेक्टर ने उसकी कंप्लेन दर्ज की थी और उसे ये यकीन दिलाया था कि रितिका का एक्सीडेंट हुआ है, उसे पैसे दीजिए और अपने साइड कीजिए ताकि सबके सामने वो इस बात से मुकर जाए। क्या? हाँ। आपने फाइल दिखाई थी ना हमको, अब आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा मैडम। तुम क्या कर रही हो अपराजिता? मम्मा पर रोके के लिए हाँ क्यों बोला? ऐसा पुलिस स्टेशन में क्या हुआ था? आपने हाँ क्यों की रोके के लिए? ऐसा कुछ हुआ बेटा कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। अरे किस केस की बात कर रही है आप मैडम? हमने तो किसी रितिका एक्सीडेंट की बात नहीं की आपसे। और कहा था मैंने तुमसे, अगर तुम सबूत नहीं जुटा पाई ना तो वीर और छवि का रोगा होके रहेगा। मतलब पुलिस भी उस एमएलए और उस एमएलए के बच्चे के साथ है।
और अगर अब भी हम रोके के लिए नहीं मानते ना तो छवि हमारे खिलाफ हो जाती। पूरी दुनिया के सामने और छवि की आंखों के सामने वीर तो सही साबित हो गया ना, हम करते भी क्या? हमारे पास कोई सबूत नहीं था। पर हमको लगता है कि इस रोके की वजह से ना कुछ अच्छा भी होगा। क्या मम्मी? हमें वक्त मिल जाएगा। रोके के बाद छवि को शादी की जल्दी नहीं होगी। और शादी तक हमें टाइम मिल जाएगा कि हम रितिका के बारे में पता कर सकें। नहीं मम्मी, अगर एक बार रोका हो गया तो छवि दी के मन में और होप्स बढ़ जाएंगी, फिर उनका दिल भी टूटेगा। बेटा सारे सपने टूटने से अच्छा तो यही है ना कि दिल टूट जाए। ये छोटी चोट है, वो बर्दाश्त कर जाएगी। हम उसे उसकी खुशियां लूटने से बचाना चाहते हैं बेटा, इसलिए हमको कुछ करना पड़ेगा। मम्मी मुझे नहीं समझ रहा मैं और क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। बेटा वो लड़की जिसने रितिका के बारे में बताया था वो तो उसी कॉलेज में होगी ना जहाँ रितिका पढ़ती थी, जाकर एक बार मिलना बेटा उससे। वो मेरा फोन नहीं उठाती है और उसने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया, पर मैं फिर भी ट्राई करूंगी। ऐसे कभी भी उठके कॉल करेगा ये एमएलए मुझे तो अक्षय को एक ना एक दिन शक हो जाएगा कि मोहिनी का इतना भी क्या कनेक्शन है उसके साथ। सुनील जी को गुड न्यूज दे देती हूँ। मैं बता देता हूँ, जैसा आपने कहा था वैसा कर दिया है, अब आगे क्या? जैसा आपने क्या कहा था जो हो गया। सुनील जी यहाँ मेरे कहने पे ही तो आए थे रोके की बात करने, उन्हें भी गुड न्यूज दे देती हूँ, बधाई भी करनी है। हेलो सुनील जी, बहुत बहुत बधाई हो, अपराजिता छवि और वीर के रोके के लिए मान गई है। चलिए मिलते हैं फिर जल्दी। हाँ मिठाई, ड्राई फ्रूट, नारियल, ये सबको मिलाकर ना हो जाएगा 3-4 हज़ार रुपए। और फूलों की लड़ी, ये मिर्ची लाइट, ये सब ना हम टेंट वाले को पहले से ही बता देंगे कि हमारा बजट क्या है, वरना बाद में सर पे आके बैठता है वो। एक साल तक शादी का पुश होना इज ग्रेट न्यूज, तब तक हमें वीर के अगेंस्ट कितना प्रूफ मिल जाएगा? नहीं बेटा, ये साल जितना दूर है ना हमारा रास्ता उतना ही कठिन है। ये एमएलए, मोहिनी, वो पुलिस, खुद वीर, ये सब ना हमारे सर पे लटकी हुई तलवार की तरह है। वैसे तुम्हें उस लड़की के बारे में पता चला जिसने रितिका के बारे में बताया था? नहीं मम्मी, उसका नंबर आउट ऑफ सर्विस आ रहा, मैं कॉलेज डेटाबेस के थ्रू उसकी एड्रेस का पता कर रही हूँ एक फ्रेंड की हेल्प। हाँ बेटा, बस तुम ना कोशिश करती रहो, कोशिश करती रहोगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। तब तक हम ये दिखाएंगे कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, और बैंक जाकर ना कुछ पैसे भी निकाल लाएंगे, छवि के लिए लहंगा ले देंगे। हाँ मम्मी, और रोका कहाँ करेंगे? इसी घर में ना? हाँ इसी घर में करेंगे, क्योंकि अब यही हमारा घर है बेटा। वो घर तो सिर्फ एक मकान रह गया है जिसकी दीवारों से सिर्फ तकलीफें रिंचती, उस चौखट पर कभी अब कदम भी नहीं रखेंगे। हाँ तो उसी के घर में हो रहा है? नहीं मेरा मतलब उस घर से था। और सोचो ना, छवि जहां पैदा हुई है, जहां पली बड़ी, वही उसका असली घर है ना। और फिर हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी सोचना चाहिए। ये सुनील जी एक बहुत बड़े एमएलए हैं, अच्छा है ये घर भी, लेकिन किसी भी तरह से उनसे कम नहीं लगने चाहिए हम। क्यों एमएलए साहब, लड़की इस घर से लेकर जाएंगे तो उनकी इज्जत कम हो जाएगी? इस घर से लड़की ले जाते हुए शर्म आ रही है, और लड़की तो इसी घर की।
उसका यही घर है, वो घर नहीं है। हाँ वहां पैदा हुई थी, लेकिन फिर उस घर से उसे धक्के मार के आधी रात को निकाल दिया गया था। खुद करे पर इल्जाम किसी और पर डाल दे। अपराजिता, क्या ऐसे ही लोगों का फायदा उठाते हुए बड़ी हुई है तुम्हारी बेटियां? उस घर में जिस इंसान को पापा 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 कहते हुए उसने 15 साल काट दिए, वही इंसान जब उस पर वो सब हो रहा था ना, चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था, उसने कुछ नहीं किया। इसलिए हमारी छवि उस घर में नहीं जाएगी। उस घर से गुजरी हवा भी हमको डंक मारती है। रहने दो जान, तुम्हें तो कह रही थी ना उस घर में करना, मैं कह रहा हूं तो। हाँ कहा था, पर फिर मैं थोड़ी ना छवि की मां हूं, वो तो अपराजिता है, तो उसी की मर्जी ज्यादा मायने रखती है, राइट? ये तो मैं पहले से ही जानती थी, अपराजिता उस घर में कभी पैर नहीं रखेगी, लेकिन मेरे प्लान को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक एक करके अपराजिता और उसकी तीनों बेटियों की जिंदगी खराब कर दूंगी मैं। एक काम करते हैं, रोका तुम अपने यहाँ कर लो, कॉकटेल पार्टी मेरे यहाँ कर लेते हैं। कॉकटेल पार्टी मतलब? वही जहाँ पीना पिलाना होता है। सो अरे आजकल कोई भी फंक्शन, कोई भी सेलिब्रेशन इस सबके बगैर अधूरा है। और फिर तुम्हारी बेटी एमएलए साहब की बहू बनने जा रही है, स्टेटस सिंबल की बात है, गेस्ट शुड लीव हैप्पी। पीने पिलाने को, पीकर तमाशा करने को स्टेटस कहते हो तुम लोग? हमारी बेटी फिर से उस घर में नहीं जाएगी तमाशा बनने के लिए। माँ, आप हमारी सबसे पहली टीचर हो, स्कूल के भी पहले की, और आपने हमें हमेशा सिखाया कि लाइफ में कितने ही बुरे एक्सपीरियंसेस क्यों ना हो, हमें दिमाग में बस उन्हीं को दोहराना चाहिए जो हमारे साथ अच्छा हुआ, बुरे को सबक समझ के भूल जाना चाहिए। देखो तो हमारी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई है कि अपनी माँ को ही दुख से बचाने की कोशिश कर रही है। यही तो हम चाहते हैं बेटा, कि एक दिन तुम इतनी समझदार हो जाओ कि अपना भला बुरा समझ सको, अपने पैरों पर खड़ी हो सको। कल से बार बार लग रहा है कोई है जो आसपास है या नजर रख रहा है। मम्मी देखो, फाइनली उस रितिका की फ्रेंड का एड्रेस मिल गया मुझे, पर अब वो यहाँ रहती ही नहीं है, वो शिफ्ट हो चुकी है। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, हम क्या करेंगे, कैसे ढूंढेंगे? हम जब उस रितिका के घर गए थे तो वहाँ वो आदमी मिला था ना, उसने कहा कि उसकी एक बहन भी थी जो कहीं चली गई है, हम उसको क्यों नहीं ढूंढते? अगर वो मिल गई तब भी तो हमारी मदद हो सकती है ना। ये क्या हुआ, अचानक मौसम इतना खराब कैसे हो गया? बेटा सारी खिड़कियां भी बंद कर लो। हाँ ये लाइट कैसे चली गई?
रोके की सारी तैयारियां मैं बर्बाद कर दूंगी। ये सब क्या है? मम्मा दरवाजा भी खुला है। अभी तो बहुत काम बाकी है अम्मा। अब बेटी फोन किया कि नहीं किया पंडित जी को? हाँ जी अम्मा, पंडित जी को ना टाइम बता दिया था हमने, वो बस आते ही होंगे। भले ही आज सिर्फ रोका है पर हमें लगता है कि दोनों की कुंडलियां पंडित जी को एक बार दिखा दे। हा? ये कुंडलियां मैच करने से कुछ नहीं होता अम्मा, ये सारे अपने दिमाग का वहम है। मिलवाई थी ना मेरी और अप्पू की कुंडलियां, 36 में से 34 गुण मिले थे। कुछ भी बुलवाती रहती हूँ अम्मा। बता तो नहीं दिया ना कि मैं आने वाली? Of course not. निया अपने promises कभी भी नहीं तोड़ती। कॉल्स भी इतने चुप चुप के किए तुम्हें। थैंक यू, मुझे ना छवि दी को सरप्राइज देना है जल्दी से। हाँ चल। ध्यान करना था तुम्हारा है? पे नौकरों से काम नहीं करवा पाती क्या? खुद नहीं कर पा रही? फुगाड़ औरत, कितना बड़ा अपशगुन कर दिया ना तुमने, बेवकूफ कहीं की। भाई साहब इट्स ओके, आप बहुत प्यार से थाली सजा के लेकर आई थी, कोई बात नहीं, ये थाली का क्या है वो तो फिर बन जाएगी। अरे क्या दोबारा बन जाएगी, ये हमारा पर्सनल मैटर है। इतना बड़ा अपशगुन हो गया है, देख के नहीं चल सकती। अरे ये एमएलए कैसी बात करता अपनी वाइफ से? सोचो सबके सामने इतनी इंसल्ट कर रहा है, पता नहीं क्या करता होगा अपने बीवी के साथ घर पर। ठोकर खाती रहती है ये औरत। कोई बात नहीं सुनील जी, ठोकर ही तो है, लग गई, आपसे भी लग जाता होगा। अरे ऐसे कैसे लग जाता होगा, हम जो काम करते हैं हमारा ध्यान हमारे काम के ऊपर रहता है, इनकी तरह नहीं। देख क्या रही हो, उठाना। कोई बात नहीं आप छोड़िए, हम कर देते हैं। हद होती है लापरवाही की, ध्यान कहना था तुम्हारा है? अचानक से तुम्हारे हाथों अपराजिता का करवा चौथ का व्रत टूट जाता है, अचानक से तुम उसे चुनरी पहना देते हो, कल अचानक से मंडप में उसके गले में वरमाला पहना दोगे और फिर अचानक से एक दिन अपना सारा सामान पैक करके उसके घर शिफ्ट हो जाओगे। बकवास है ये सब बकवास। लिसन मोइंग, प्लीज, तुम जानती हो दोनों बार जो कुछ भी हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि तुम उसके लिए कंसर्न फील करते हो।
हाँ मम्मा, ये रोके की चुन्नी में तो दाग लग गए हैं। ये तो आपकी शादी की चुन्नी है मम्मी। मम्मा क्या सोच रही हो? मम्मा छवि के रोके में कितना अपशगुन हो गया। आपका ये शगुन अपशगुन के चक्कर में पड़ रहे हो मम्मा। हम थोड़ी ना छवि दी की शादी सचमुच कराने वाले हैं। ये रोका हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। वो इस रोके से कितनी खुश है, और जब उसे पता चलेगा कि उसके रोके के वक्त हम उसकी खुशी में शामिल ही नहीं थे तो उसे कितना बुरा लगेगा। कुछ बुरा नहीं लगेगा मम्मी। वीर की सच्चाई उनके सामने आ जाएगी ना एक बार, तो फिर वो हमें और अच्छी तरीके से समझेंगी। अब टेंशन मत लो। हाँ मैं अपराजिता के लिए कंसर्न फील करता हूँ, लेकिन कंसर्न फील करने में और प्यार करने में फर्क होता है। उसके लिए कंसर्न प्यार तुमसे करता हूँ, तुम जानती हो ना ये बात। वो जिस सिचुएशन में थी ना, वहां पर मेरी जगह और कोई होता तो वही करना जो मैंने किया है। फिर मैं तो उसके बच्चों का बाप हूँ, हमारा एक अतीत रहा है साथ में। लेकिन उस अतीत को 15 साल हो चुके हैं, सब खत्म हो चुका है मुई। अब सिर्फ तुम हो, तुम। प्लीज मुई वापस चलो छवि की खातिर। तुम प्लीज इस मत सोचो, चलो। पंद्रह साल जरूर हुए हैं, पर उस रिश्ते की जड़ें खत्म नहीं हुई, और जड़ें खत्म होंगी छवि की लाइफ पूरी तरह बर्बाद करने के बाद। उसके बाद अब राजिता तुम्हें मुड़ के अपनी तरफ देखने नहीं देगी। क्या हुआ वीर, तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? पता नहीं सब क्या सोच रहे होंगे तुम। ऐसे डोंट वरी, हमें यहाँ आते हुए किसी ने नहीं देखा। इतने शोर शराबे में हमको भी तो थोड़ा टाइम चाहिए बात करने को। काश तुम मेरी नजरों से खुद को देख पाते, कितनी सुंदर लग रही हो तुम। कभी कभी तो मन करता है कि तुम्हें कहीं अपने अंदर छुपा लूं, कि कोई तुम्हें मेरे अलावा देख ही ना पाए। हमें जाने दो वीर, माँ हमें ढूंढते ढूंढते कभी भी यहां आ जाएगी। चल। तुम्हारी माँ तो कब की हार मान चुकी है, अब वीर और छवि को कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसे मम्मी मेरे पास एक गुड न्यूज है। उन्हें किसकी नजर लग गई? वो दोनों क्यों एक साथ नहीं है? किसने कहा तुम्हें कि वो एक नहीं है? पति और पत्नी का रिश्ता एक नहीं, 7 जन्मों का होता है। मेरी बिट्टी और अक्षय का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। कुछ देर के लिए ही सही, मोहिनी नाम की रुकावट आ गई है, पर देखना दोनों एक दूसरे से फिर मिलेंगे, क्योंकि वो बने ही सिर्फ एक दूसरे के लिए। 15 साल से हर रोज हमने भोले बाबा से यही तो मांगा है, पर क्या सचमुच ऐसा हो सकता है दादी? हो सकता नहीं, होगा।
दादी, कभी कभी सोच के डर लगता है कि कहीं पापा की तरह अगर वीर भी हमें किसी दिन छोड़ के चला गया तो हमारा क्या होगा दादी? माँ तो इतनी स्ट्रांग है, उन्होंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, पर हम तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे। ये तो तुम्हारे नहले पे दहला मार दिया अपराजिता ने, और तुम कुछ नहीं कर पाए। शादी की बात एक साल आगे बढ़ गई और तुम चुपचाप देखते रहे। उप्स। मोहिनी को जीतने की आदत है, देख लिया कितना आसान है मोहिनी के लिए किसी को भी झुकाना। ठीक इसी तरह अपराजिता को भी झुकना पड़ेगा मेरे सामने। सुनील जी, ताश के पत्तों में नहने और दहने के बाद भी पत्ते होते हैं, और वो सारे पत्ते मेरे पास हैं। यू आर राइट कि एक साल बाद वाली बात सुनकर मैं चुप रही, पर आपसे ये किसने कह दिया कि मैं एक साल तक चुप रहूंगी और तमाशा देखूंगी? तो अब क्या करोगी तुम? आपको क्या लगता है ये कॉकटेल पार्टी मैंने छवि के रोके की खुशी में रखी है? अगर ऐसा होता तो ये पार्टी मैं अपने घर में नहीं बल्कि किसी होटल में या फिर बैंक्वेट हॉल में रखती। ये पार्टी मैंने अपने घर में रखी है क्योंकि मुझे पता है कि अपराजिता यहाँ कदम कभी नहीं रखेगी, तो छवि को समझाने वाला कोई नहीं होगा, और फिर मैं यूं छवि का माइंड चेंज कर दूंगी। आप देखना, ये शादी एक साल बाद नहीं। अपू, क्या बात है, परेशान? अभी बताया तो ये विश्वास नहीं करेंगे, पूरा सबूत मिलने के बाद ही बात करेंगे इनसे। नहीं नहीं कुछ नहीं, वो एक फोन करना था तो हम यहाँ आके। कच्चे पा रहे हो मुझसे? नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो नजरें मिला के बात क्यों नहीं कर पा रही हो? नहीं बिल्कुल नहीं। अपू कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। नहीं कुछ नहीं है। शायद तुम भी नाराज हो मुझसे कि रोके वाली चुनरी मैंने तुम्हें उड़ा दी। सफाई चाहिए तुम्हें कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, वो जो भी हुआ वो ऐसे अचानक से। देखिए जो कुछ भी हुआ वो हमको हमें बहुत अजीब लगा, लेकिन हम जानते हैं आपने जो कुछ भी किया ऐसे जानबूझ के नहीं किया। आपकी जगह अगर हम होते और ऐसी परिस्थिति होती तो शायद हम भी यही करते। Thank God, कोई तो समझता है मुझे। Ready? कहाँ से हम? अभी हमें बहुत टाइम लगेगा डैड। गाइस चलो ना वहीं जाके रेडी होंगे। कम ऋषभ क्या हुआ? कम ना। अब वो हमको दिशा से कुछ जरूरी काम है, इसको पीछे से भेज दे। आशा बेटा सुनो, तुम छवि को ना बिल्कुल अकेला मत छोड़ना, उसके साथ ही रहना, बस साई की तरह उसके साथ बनी रहना, समझी? अरे किसी पराए के घर थोड़ी जा रही है, अपने घर जा रही हो। और छवि की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके पापा है उसके साथ, राइट? चल
जा बेटा। दिशा ये देख, इसको फोन करते हैं।